हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गॉम एग्जाम एंड मैं लूप सुचित। एंड गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो है एक रिव्यू एक गिटार के लिए, जो कि है यामाहा का C40 मॉडल। जो C40 मॉडल है, स्पेनिश क्लासिकल मॉडल है। एंड जो भी इंटरमीडिएट एंड बिगिनर लेवल के जितने भी जो भी स्पेनिश क्लासिकल प्ले करना चाहते हैं, जो टॉप मोस्ट रिकमेंडेशन रहती है वो इस गिटार के लिए रहती है, जो कि क्यों है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड इसके स्पेसिफिकेशंस देखेंगे एंड फिर एक साउंड चेक करेंगे इस गिटार का। एंड फिर लास्ट में मैं एक अपना पर्सनल रिव्यू दूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि ये मुझे कितना पसंद आया। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्पेसिफिकेशंस में अगर हम सबसे पहले बात करें इस गिटार की, तो इसका जो साइज़ है ये फुल साइज़ स्पेनिश क्लासिकल गिटार है। एंड ये फुल साइज़, इससे बड़ा साइज़ नहीं होता स्पेनिश क्लासिकल का। सो इसके अलावा इसकी मटेरियल क्वालिटी की अगर हम बात करें, तो इसके जो टॉप में वुड लगा हुआ है वो है स्प्रूस वुड है। एंड जो बैक में एंड साइड में है वो मेरंती है। मेरंती एंड स्प्रूस का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। एंड ब्रिज जो है, ब्रिज का मटेरियल रोज़ वुड का ब्रिज है। एंड जो फ्रेट बोर्ड में जो वुड यूज़ हुआ है वो भी रोज़ वुड है। एंड जो इस गिटार की जो नेक की बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी स्मूथ है। एंड जो वुड जो यूज़ हुआ है वो नेटिव है और काफ़ी अच्छा है ये भी। एंड जो इसकी कीज़ रहती हैं वो नॉर्मल जो अकूस्टिक गिटार होते हैं, जो नॉर्मल गिटार होते हैं वो अकूस्टिक गिटार, वो वैसे नहीं होती हैं। इसकी जो होती है पीछे की तरफ ऐसे जा रही होती हैं। सो कीज़ आपको ये काफ़ी सही है क्लासिकल गिटार की। एक्चुअली मैक्सिमम क्लासिकल गिटार में आपको यही मिलेंगी। एंड जो स्ट्रिंग्स रहती हैं, स्ट्रिंग्स क्लासिकल गिटार में जो नीचे की तीन स्ट्रिंग होती हैं वो नायलॉन होती है, ठीक है। एंड ऊपर जो की जो तीन होती हैं वो मेटल स्ट्रिंग्स होती हैं। सो ओवरऑल साइज़ इसका काफ़ी अच्छा है। एंड मटेरियल क्वालिटी भी मैंने आपको बता दी जो इस प्राइस रेंज में। इसका प्राइस रेंज जो है अप्रॉक्सीमेट 7,500 to 8,000 रुपीज़ इसका प्राइस रहता है ऑनलाइन अमेजन पे जो अवेलेबल है। तो ठीक है, इस स्पेसिफिकेशन में तो काफ़ी डिसेंट प्राइस है। तो चलिए चेक करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी को एंड बजा के देखते हैं कि कैसा साउंड कर रहा है। एंड आते हैं मेरे रिव्यू पर। एंड जो मेरा पर्सनल रिव्यू है मैं वो दूंगा आपको। आपका इसका साउंड चेक आपने देखा है एंड आप अपने मटेरियल एंड साउंड से कंपेयर करो, बट मेरा पर्सनल रिव्यू ये है कि इस प्राइस रेंज में एंड जो मटेरियल क्वालिटी आपको मिल रही है वो काफ़ी डिसेंट है एंड ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। यामाहा का भरोसा भी है। सो मतलब इस मटेरियल में एंड ये जो साउंड क्वालिटी है मेरे को काफ़ी वर्थ इट लगा। प्राइस जो है बहुत ज़्यादा ओवर नहीं है। अगर हाँ, इसका प्राइस 10,000 तक टच होता, 9,000 भी होता, तो मैं शायद इसको सोचता लेने की। तो इसके अलावा कॉट वगैरह की भी ऑप्शन है तो मैं वो ट्राई करता, बट हाँ 7,500 रुपीज़ में काफ़ी अच्छी डील है। तो बाकी अप टू यू, आप देखो इस, अगर आपको इस प्राइस रेंज तक में लेना है तो मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट है। इसके अलावा इसके आसपास तो कोई है नहीं, बाकी 10,000 सब अबव है। तो बाकी सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है, आपको क्या मटेरियल क्वालिटी में क्या क्या चीज़ चाहिए। एंड अगर आप यामाहा C40 खरीदने की सोच रहे हैं तो होपफुली ये आपको वीडियो हेल्प करेगा। एंड अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली तो इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे हम लेके आते हैं
प्रोडक्ट रिव्यू, अनबॉक्सिंग एंड गिटार ट्यूटोरियल्स, गिटार अनबॉक्सिंग्स एंड और भी माइक्रोफोन्स, गैजेट, गियर एंड म्यूजिक से रिलेटेड हर वो चीज़ जो मैं हम आप तक पहुंचा सकते हैं वो हम ट्राई करते हैं अपना 100%। तो आप कर दीजिए गॉमिक जॉम को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।